करीब 22 महीनों से लंबित वेतन की मांग को लेकर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ के सदस्यों ने रणधीर वर्मा चौक पर रैली निकाली, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ऊर्जा मित्र के आंदोलन का राज सिन्हा समर्थन किए। इस दौरान ऊर्जा मित्र के साथ विधायक दुकान दुकान भिक्षाटन का कार्य करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड में उत्पादित बिजली से संबंधित सभी कार्यभार ऊर्जा मित्र संघ के सदस्यों पर ही है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 22 महीनों से राज्य सरकार ने इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में भी सरकार ने इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में जीएम से लेकर तमाम अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन संघ के सदस्यों को भिक्षाटन का कार्य करना पड़ा, जो कि बेहद सर्वनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने केवल और केवल यहां के युवाओं को लूटने का काम किया है। क्या किया जाए, जो सरकार वादा करती है कि हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, वह भी नहीं दी। इन लोगों के दिखा करके बोलती कितना लोग को रोजगार दिए, और देखिए क्या हालत है। 22 महीने 24 महीने से पैसा नहीं मिला इनका, और एजेंसी का इतना हिम्मत, इसका मतलब स्पष्ट है कि एजेंसी ऊपर पहुंचा रहा है और यहां अपने युवा साथियों को रौंद रहा है। इस त्यौहार के समय में इनके घर में भी बाल बच्चा है, इनके भी बच्चों का शौक है कि हम भी नया कपड़ा पहने, हम भी दशहरा का मेला घूमें, हम भी मिठाई खाएं। कहाँ से करेंगे बेचारे। आज हमने इनको समर्थन दिए, इनके साथ हम भी घूमें, कटोरा लेके हम लोगों ने भिक्षाटन किया है लोगों से के बीच में। ये हमारे ऊर्जा मित्र किस संकट में हैं, या राज्य की जनता जाने। या कोई 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ठेला वाला खोमचा वाला बेचारा दिया। इस बात का फक्र है कि यहाँ के भाई सब अपने दूसरे भाई के दुख को देख करके साथ में खड़े हैं। सोचिए जो ठेला वाला खोमचा वाला 5 रुपया 10 रुपया कमाता है, वो भी टेम्पू वाला रिक्शा वाला सफाई कर्मचारी, उन लोगों ने भी 1 रुपया 5 रुपया जिसको जितना हुआ इन लोगों को दिया इनके दुख को देख करके। लेकिन ये सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। आह लगेगा आह इस सरकार को। दुर्गा पूजा में लोग पूजा कर रहे हैं और ये सरकार मस्त है, जनता पस्त है, युवा साथी पस्त है, सरकार मस्त है। ये सरकार का नष्ट होगा, इसका नाश होगा, और आने वाले समय में इस सरकार को लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। हम लोग को दर्द को देखकर उपस्थित हुए हैं और बड़ा आंख से आंसू टपका जब भैया हम लोग के लिए दर दर भिक्षा मांगे। पर ये जो सरकार निकम्बी सरकार है, इसका कान में जू नहीं रंगा। सिर्फ हम लोग को डेट मिला गया, 7 तारीख को लिखा हुआ था 3:30 के अंदर आपका वेतन आ जाएगा सभी ऊर्जा मित्र के पास, पर नहीं आया। हम बता देना चाहते हैं सरकार को, निकम्बी सरकार को, कि हम लोग ऊर्जा साथी हैं, प्रत्येक घर में जाके दरवाजा खटखटा कर बिल निकालने का काम करते हैं माताओं और बहनों को। अगर हम लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे भी काम बंद रखें, आगे भी काम बंद रहेगा। दोनों सर्किल, धनबाद सर्किल और चास सर्किल में 550 ऊर्जा साथी है, और ये लगभग तीनों माने दोनों लोकसभा को टच करता है। तो हम लोग इतना प्रभावित कर देंगे कि आने वाला सरकार को समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग पूरी तरह से काम बंद रखेंगे। हमारे संरक्षक हमारे साथ हैं, जो संरक्षक का आदेश होगा उस रणनीति के तहत हम लोग आंदोलन के आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग लिखता हमको नहीं मतलब है, हम लोग का पेमेंट अकाउंट में दिखा दीजिए, अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, हम लोग काम करना चालू कर देंगे। जो बकाया पेमेंट है उसका भुगतान करेगा, अगर नहीं करता है तो काम बंद रहेगा। संघ का ही निर्णय है, इसको हम आज खुले मंच में मीडिया के सामने ऐलान करते हैं कि कोई जाने ये कटोरा इसलिए लेना पड़ रहा है कि जीएम साहब बोले थे कि 5 तारीख से लेकर 7 तारीख कर 3:30 टाइम भी मेंशन था, पर उसको अभी वहाँ जो एजेंसी उसको जरूरी नहीं समझा। कहीं ना कहीं वो जो पैसा दे के आई है इसलिए किसी को कुछ नहीं समझ रही है। वो सरकार के हितैषी है, वो चाह रही है कि यहाँ का जो मजदूर है, जो किसान है, जो मूल निवासी, उसको रौंदने में हम समय नहीं लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, पलायन कर लेंगे। ऊर्जा मित्र को जो संख्या दिखा कर सरकार बोलती है कि हम नौकरी दे दिए हैं, घोषणा करती है, आउटसोर्सिंग में जिससे काम ले रहा, वेतन नहीं मिला, 24 महीने का वेतन नहीं मिला है। कंपनी 14 महीने का वेतन लेकर भाग गई, एक कंपनी 3 महीने का वेतन लेकर भाग गई। खुद सरकार जो काम कराया है 3 महीने का पेमेंट वो नहीं दिया, ये जो नए कंपनियां आया ये नहीं दिया। हम लोग क्या करें, रोड पर नहीं आएंगे तो क्या करें, कैसे घर जाते तो बच्चा बोलता है कि पापा कपड़ा लेना है, फिर
दुकानदार बोलता है राशन का पैसा तो कहाँ से हम लोग देंगे, इसलिए हम लोग जनता के सामने एक कटोरा हाथ में लेकर विधायक जी के साथ में हम लोग खड़े हैं, जो मांगेगा इसी से गुजारा करेंगे, नहीं मांगेगा रोड पर रहेंगे।